जिनके अक्ष के समक्ष सोना अर्थात धन दिखाई पड़े, जिनको धर्म से, पूजा से, पाठ से, कथा से, भागवत से, यज्ञ से, अनुष्ठान से कोई मतलब न हो, हाय धन हाय धन हाय धन हाय धन, रात दिन जो धन के पीछे ही परेशान रहे, ऐसे सजनों संसार सागर के जितने जीव हैं वो सब हिरणाक्ष हैं। अद्भुत बात यह है, पहले दुनिया में एक ही हिरणाक्ष हुआ करता था, अब आज आपको हर घर में दो चार हिरणाक्ष नजर आएंगे। बोले भक्त कौशल भगवान की, हिरणाक्षों की कमी इस दुनिया में नहीं रह गई। याद रखना, हिरणाक्ष का उद्धार कैसे होगा, वाराह भगवान से। तो वाराह का पहले अर्थ जान लीजिए, वाराह किसको कहा जाता है, वर माने होता है श्रेष्ठ और अह माने होता है दिवस। जब मानव जीवन का सबसे सुंदर दिन आएगा ना, सबसे श्रेष्ठ दिन आ जाएगा, तो जान लीजिए कि वाराह भगवान के अवतार से हिरणाक्ष का वध हुआ, यानी मनुष्य के जीवन का सबसे श्रेष्ठ जब दिन आएगा ना, तब जाकर के लोभ की प्रवृत्ति मनुष्य के जीवन से समाप्त होती है। मानव जीवन का सबसे बढ़िया दिन कौन सा है, सबसे श्रेष्ठ दिन कौन सा है, जिस दिन मनुष्य का तन पाकर के जीव भगवान की कथा सुन ले, यज्ञ में भाग ले ले, अपने इस हाथों से कोई सुंदर शुभ दान कर्म कर दे, किसी संत महात्मा की सेवा में संलग्न हो जाए, तो जान लीजिए मनुष्य के जीवन का सबसे बढ़िया दिन यही है। जब वो दिन आएगा ना, तो लोभ समाप्त हो जाएगा। लोभ ऐसे समाप्त होता, जैसे मान लीजिए अगर आप लोग लोभ में ग्रसित होते तो कथा पांडाल में 3 घंटे कैसे टाइम निकाल के आते। जो लोभी लोग हैं, कथा सुनने जाएंगे तो व्यापार का नुकसान होगा, कथा सुनने जाएंगे तो परिवार का नुकसान होगा, कथा सुनने के लिए जाएंगे तो नौकरी का नुकसान होगा, ये घट जाएगा, वो बढ़ जाएगा, दुनिया भर का प्रपंच। लेकिन जब जीवन में सज्जनों भगवान की कृपा होती है, दो चार घंटे के लिए मानो हमने अपने अपने जीवन से लोभ को समाप्त किया और भगवान की कथा में पधारे। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव सतयुग में राक्षस हुए, उनके उद्धार के लिए भगवान आ गए। त्रेता युग में राक्षस हुए, उनके उद्धार के लिए भगवान आ गए। द्वापर युग में राक्षस हुए, उनके उद्धार के लिए भगवान आ गए। क्या कलयुग में राक्षस नहीं होते? अगर कलयुग में राक्षस होते हैं तो उनके उद्धार के लिए भगवान क्यों नहीं आते? कलयुग में राक्षस नहीं है क्या? परीक्षित जी ने प्रश्न किया तो सुखदेव स्वामी ने कहा, राजन ध्यान देकर के सुनो, कलयुग में राक्षसों की कमी नहीं है। तो सबसे पहले जान लीजिए कलयुग के राक्षस कौन है। तो भोलेनाथ ने पार्वती जी से कलयुग के राक्षसों का परिचय बताया है कि मन ही मातू पिता नहीं देवा, 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 साधुन सन करवा वही सेवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके आस आचरण भवानी, जिनके आस आचरण भवानी, हे जान हो निश्चर सम प्राणी, हे जान हो निश्चर सम प्राणी। कलियुग के राक्षस की सबसे पहली पहचान याद रख लेना, कलियुग का जो राक्षस होगा ना, वो किसी संत, किसी महात्मा, किसी ब्राह्मण की सेवा नहीं करेगा, उनसे सेवा लेने का प्रयास करेगा, माता पिता की सेवा नहीं करेगा, माता पिता के वचन का पालन नहीं करेगा, माता पिता का सम्मान और आदर नहीं करेगा। ऐसी प्रवृत्ति गांव में, परिवार में दिख जाए, समाज में दिख जाए, जो अपने माता का, अपने पिता का सम्मान न करें, आदर न करें, सेवा न करें, ससुराल न करें, किसी संत महात्मा ब्राह्मण की सेवा में तत्पर न रहें, ऐसे जितने लोग संसार सागर में हैं, वो सब कलयुग के राक्षस हैं। बोली भक्तोश्वर भगवान की। तो कलयुग में तो राक्षसों की कमी नहीं, तो इन राक्षसों के उद्धार के लिए भगवान क्यों नहीं आते? तो परीक्षित जी से सुखदेव स्वामी कहते, राजन कलयुग के राक्षसों में, सतयुग द्वापर त्रेता के राक्षसों में एक अंतर है। अंतर क्या है?
सतयुग द्वापर त्रेता के राक्षस पहले जन्म लेते थे, जन्म लेने के बाद तपस्या करते थे, ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करते थे कि दुनिया मुझे कोई मार न सके, तो उनके उद्धार के लिए भगवान को आना पड़ता था। लेकिन कलयुग के जो राक्षस हैं, ये जन्म लेते ही पहले पाप कर्म करने लगते हैं, ये कोई तपस्या नहीं करते। सतयुग द्वापर त्रेता के राक्षस जन्म लेने के बाद तप करते थे, और कलयुग के राक्षस जन्म लेने के बाद सीधे पाप ही करते हैं। और जब इतना पाप करते हैं, इतना पाप करते हैं कि उनके जीवन में जब पाप बढ़ जाता है ना, तो उनका पाप ही उनका विनाश कर देता है, भगवान को आने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। इसीलिए कलयुग में भगवान राक्षसों के उद्धार के लिए नहीं आते, क्योंकि कलयुग के राक्षस अपने पाप से ही मारे जा रहे हैं।